मिलिट्री अटैक के बाद भड़के केजरीवाल ने राजनाथ सिंह को फोन पर कहा था कि आप निकम्मे हैं या मिले हुए हैं। केजरीवाल ने विधानसभा में दी बातचीत की जानकारी। केजरीवाल ने विधानसभा के विशेष सत्र में बिना नाम लिए मनोज तिवारी पर बोला हमला, बीजेपी सांसद को गुंडा करार दिया। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर भी वार करते हुए कहा कि वो अगर दिल्ली के सीएम को सुरक्षा नहीं दे सकते तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। विधानसभा में अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप, कहा आम आदमी पार्टी सरकार के अच्छे कामों से परेशान है बीजेपी। राजेंद्र गुप्ता आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर से करेंगे मुलाकात, सीएम के करीबी अभिषेक की गिरफ्तारी की मांग। अभिषेक ने सचिवालय में कराई थी सीएम पर हमला करने वाले की एंट्री। यूपी के मुरादाबाद में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की सभा में मोदी और सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी, पुलिस ने दर्ज किया केस। नॉर्वे के पूर्व पीएम के कश्मीर आने पर बवाल, उमर अब्दुल्ला ने सरकार से यात्रा की वजह साफ करने को कहा, अलगाववादियों से मिले थे पूर्व पीएम। करतारपुर कॉरिडोर की आधारशिला रखे जाने के बाद अब कश्मीरी हिंदुओं ने की पीओके में स्थित शारदा मंदिर के लिए गलियारे की मांग। करतारपुर कॉरिडोर के लिए कल पंजाब में हुआ शिलान्यास, कॉरिडोर शुरू होने के बाद गुरुद्वारे में दर्शन के लिए नहीं लेना होगा वीजा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 4 महीने में करतारपुर कॉरिडोर का काम पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का बयान, कहा करतारपुर कॉरिडोर का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान से अमन शांति हो गई है। पाकिस्तान पर बोले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, आतंकवाद पर नहीं बदला है रवैया, साफ नीयत से ही आतंकवाद का खात्मा संभव। जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाए में जुटे सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 1 साल में 9 आतंकी कमांडर ढेर, पिछले साल जारी हुई थी 12 आतंकी कमांडरों की लिस्ट। दिल्ली में जिन 2 आतंकियों की तस्वीर पर पुलिस ने अलर्ट जारी किया था, उन लड़कों ने पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को छात्र बताया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 8 नक्सलियों की मौत, 2 जवान भी शहीद। राजस्थान में बीजेपी आज जारी करेगी संकल्प पत्र, वित्त मंत्री अरुण जेटली पार्टी का संकल्प पत्र करेंगे जारी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का जयपुर में चुनावी दौरा, जयपुर में 3 जनसभा और रोड शो करेंगे। राजस्थान के जयपुर में गृहमंत्री राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। राजस्थान में बीजेपी ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और 5 जनसभाओं में कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। राजस्थान में पीएम मोदी का कांग्रेस के निजी हमलों पर पलटवार, कहा विकास गिनाने के लिए मुद्दे नहीं है, इसलिए मेरी जाति और मेरे पिता का नाम पूछ रही है कांग्रेस। तेलंगाना में पीएम मोदी आज करेंगे चुनाव प्रचार, 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का बिल लाने से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। महाराष्ट्र सरकार परसों दोनों सदन में लाएगी मराठा आरक्षण बिल, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी जानकारी। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 2 विधायक बीजेपी की बैठक में पहुंचे, दोनों विधायकों की पहले जेडीयू में जाने की थी चर्चा। बीजेपी की बैठक में पहुंचे आरएलएसपी विधायक सुधांशु शेखर ने एबीपी न्यूज पर सफाई दी, कहा एनडीए की बैठक समझकर शामिल हुआ था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधानमंडल दल की बैठक में सफाई दी, बोले कुशवाहा को कभी नीच नहीं कहा। दिल्ली के पूर्वी नगर निगम की बैठक में बीजेपी और आप पार्षद आपस में भिड़े, हंगामे के बाद बैठक स्थगित। संसदीय समिति की बैठक में शामिल होंगे आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल, सरकार के साथ गतिरोध पर हो सकते हैं सवाल। पहली और दूसरी क्लास के छात्रों को अब नहीं दिया जाएगा होमवर्क, पहली दूसरी क्लास के छात्रों के लिए बस्तों का वजन भी 1.5 किलो तय, एचआरडी मिनिस्ट्री का आदेश। गुजरात में 260 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले विनय शाह को नेपाल से किया गया गिरफ्तार, 31 लाख रुपए की करेंसी भी बरामद। ठगी करने वाला आरोपी विनय शाह नेपाल से अपनी एक महिला साथी के साथ दुबई भागने की फिराक में था। 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमले के गुनहगार मोहम्मद फारूक शेख को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। दिल्ली के छतरपुर में प्रेमी ने प्रेमिका का मर्डर कर खुद फांसी लगाई, मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ।
प्रेमी प्रेमिका दोनों कोलकाता के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि पिछले 6 महीने से दिल्ली में लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। दिल्ली में बैटरी चोरी करने के आरोप में मारे गए ऑटो चालक के मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। दिल्ली में आंध्रा बैंक के एटीएम में घुसकर युवक युवती से बदमाशों ने लूटे 1.5 लाख रुपए, पुलिस ने जांच के लिए क्राइम सीन का रिक्रिएशन करवाया। एटीएम में लूट करने के पहुंचे दोनों बदमाशों ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में अज्ञात शख्स ने 2 बाइकों में आग लगा दी, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। मुंबई के वडाला में मिथेनॉल केमिकल के टैंकर में लगी आग, हादसे में टैंकर चालक की मौत। गुजरात के सूरत में ट्यूशन क्लास में शॉर्ट सर्किट होने से 7 साल के बच्चे की मौत, 3 बच्चों की हालत नाजुक। राजस्थान के उदयपुर में कार के गैस टैंकर में धमाके के बाद लगी आग। यूपी के बाराबंकी रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने 13 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। संदिग्धों के पास से आर्मी के बैग, सीसीटीवी, तार, वॉकी टॉकी, फिंगरप्रिंट मशीन समेत 3 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ। यूपी के रायबरेली की जेल में अपराधियों का शराब पीते और नॉनवेज खाते वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में अपराधियों के पास पिस्टल भी दिखाई दे रही है, साथ ही जेल के अंदर से वो फोन पर रंगदारी मांगते और धमकी देते भी नजर आ रहे हैं। यूपी के बरेली में सब इंस्पेक्टर ने थाना परिसर में ही खुद को गोली मारी। लखनऊ के मणियाव थाने के एक गांव में दबंगों ने की फायरिंग, गांव वालों के इकट्ठा होने पर आरोपी फरार। दिल्ली सटे ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल, कई बड़े अपराधों को अंजाम दे चुके इन बदमाशों पर 25,000 रुपए का इनाम। यूपी के मेरठ में स्कूटी सवार 2 बदमाशों को मुठभेड़ में पुलिस ने किया गिरफ्तार, दोनों पर दिल्ली पुलिस ने 1-1 लाख रुपए का रखा था इनाम। यूपी के अयोध्या में साधु के वेश में आकर आतंकी हमले की अफवाह फैलाने वाले युवक को बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया। यूपी के बाराबंकी में किसान ने धान में लगाई आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के फतेहपुर में पत्नी के मिट्टी खाने से नाराज पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, पहले दोनों की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। यूपी के बुलंदशहर में बिजली चोरी करने वाले लोगों को पकड़ने गए अधिकारियों के साथ मारपीट, लोगों ने सरकारी दस्तावेज भी फाड़े। यूपी के अलीगढ़ में एएसपी की बदसलूकी से नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एएसपी की गाड़ी रोककर प्रदर्शन किया। बिहार के मोतिहारी में हादसे से हुआ घोटाले का खुलासा, ट्रैक्टर से गाड़ी की टक्कर के बाद 1 करोड़ रुपए बरामद। मोतिहारी में हादसे के बाद कार में मिले रुपए महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की जमीन के अधिग्रहण घोटाले के हैं, कुल 3 करोड़ का घोटाला हुआ था। पटना में सेना के नाम पर नौकरी दिलाने वाले ठगों के गिरोह का भंडाफोड़, 15 लाख रुपए भी जब्त। बिहार के बेतिया में स्मैक और शराब के साथ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ठाणे के मुरबाड़ हरिश्चंद्र किले पर ट्रैकिंग के दौरान फंसे 20 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। यूपी के गोंडा में एम्बुलेंस न मिलने पर मरीज को चारपाई पर लाद कर ले जाया गया अस्पताल, 108 पर फोन करने पर भी एम्बुलेंस नहीं दी गई। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के 10 साल पूरे होने पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मुंबई के नरिमन हाउस में भी 26/11 आतंकी हमले में मारे गए लोगों को नम आंखों से याद किया गया, यहूदी केंद्र नरिमन हाउस पर भी हुआ था आतंकी हमला। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब फेबल्स ऑफ फ्रैक्चर्ड टाइम्स समारोह में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी मौजूद रहे। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी की कार्रवाई पर उठाए हैं सवाल। जजों की नियुक्ति के लिए गठित एनजैक पर दिए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। हॉकी विश्व कप की ओपनिंग सेरेमनी आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंगा एथलेटिक्स स्टेडियम में होगा समारोह। हॉकी विश्व कप की ओपनिंग सेरेमनी में शाहरुख खान, एआर रहमान और माधुरी दीक्षित भी पहुंचेंगे। भारत का पहला मैच कल दक्षिण अफ्रीका से, हॉकी विश्व कप का फाइनल 16 दिसंबर को होगा। कुलदीप यादव T20 गेंदबाजों के रैंकिंग में टॉप 5 में पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी जबरदस्त गेंदबाजी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, भारत को अगर टेस्ट सीरीज जीतनी है तो बल्लेबाजों को विराट कोहली का साथ देना होगा।
महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत और मिताली राज ने बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी से मुलाकात की। मिताली को महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में न खिलाने का है विवाद। बॉक्सिंग में छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद बोली मैरीकॉम, कभी सोचा नहीं था कि इतने खिताब जीत सकती हूं, कड़ी मेहनत से सब मुमकिन हुआ। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का मंगलयान मार्स इनसाइट लैंडर मंगल ग्रह पर उतरा। भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे मंगल ग्रह पर पहुंचा यान। मंगल के आंतरिक संरचना का अध्ययन करेगा ये यान और इनसाइट लैंडर। 2 साल का होगा इनसाइट लैंडर का मिशन। दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका में भारी बर्फबारी के बाद 100 से ज्यादा उड़ानें लेट। सड़कों पर बर्फ जमने से यातायात प्रभावित। भारत चीन अधिकारियों के सीमा संबंधी विवाद पर चीन के चेंगदू में बैठक। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल हुए। ईरान की राजधानी तेहरान में भूकंप में घायलों की संख्या 716 पहुंची। 6.3 तीव्रता के भूकंप में अब तक किसी की मौत की खबर नहीं। तुर्की में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हादसे में 4 जवानों की मौत, 1 की हालत गंभीर। पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया में इस्लामिक नेता के 17 समर्थकों समेत हत्या। धार्मिक समारोह में गाना बजाने पर कट्टरपंथियों ने हत्या की। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।